हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं पहले भगवान जी को प्रणाम करने से और पूजा करने से। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज किचन क्लीनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बस मेरा किचन बचा है दिवाली के लिए, बाकी सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। तो बस किचन को आज क्लीन कर लूँगी और थोड़ी जो क्लीनिंग की तरफ से है ना, वो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। किचन क्लीनिंग मिशन स्टार्ट। निकालो सारा, फिर पोंछा जाए और फिर रखा जाए। वैसे तो किचन क्लीनिंग होती ही रहती है। कोई अगर कैबिनेट गंदा हो जाता है तो हम उसको साफ कर लेते हैं। कोई भी डब्बा गंदा हो जाता है तो उसको हम गंदा नहीं रहने देते हैं, उसको क्लीन करके उसको रिफिल करते हैं। तो एक तरीके से किचन हमारा बार बार साफ होता ही रहता है। लेकिन हाँ, डीप क्लीनिंग ना एक अलग ही सफाई का लेवल ऐड कर देती है और आपके किचन में वो दिखता है। जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हो तो सारा सामान हटा के रीअरेंज करना, छोटा छोटा कोना भी साफ कर देना, बस यही तो डीप क्लीनिंग होता है। तो किचन चाहे कितना भी आप थ्रू आउट द ईयर क्लीन रखते हो, लेकिन जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हो तो टाइम बहुत लग जाता है। जैसे मैंने और श्वेता ने मिलकर किया, फिर भी हमें पूरा दिन ही समझिए लग गया था। और अगर मैं अकेले करती ना तो फिर मैं एक दिन में इसको नहीं करती, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है। सिर्फ ऐसा ही तो नहीं है कि बस किचन किचन आपको क्लीन करना है पूरा दिन और कुछ काम नहीं है। डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुकिंग और भी क्लीनिंग, जैसे घर की बाकी और क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग है, वो सब कुछ करते हुए आपको ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए समय निकालना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। तो दो लोग थे तो हो गया, हंसते खेलते, हंसी मजाक करते, बातचीत करते, मज़ा आता है साथ में करने में। और अगर अकेले रहो ना तो फिर थोड़ा बोरिंग भी लगता है, आप थकावट सा फील करने लगते हो मेंटली रूप से भी। तो तब मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ कुछ पार्ट करके करती हूँ। लाइक ऊपर के एक बार कर लिए कैबिनेट, नीचे के एक बार कर लिए, या दो दिन में या तीन दिन में, वो ठीक रहता है। उससे आप एक्स्ट्रा एकदम एक दिन में एग्जॉस्ट नहीं होते हो और आपका काम भी हो जाता है। आप ना कौन सा क्लीनिंग मेथड यूज़ करते हो मुझे बताना ज़रूर। पहले मैं, पता है कौन सा क्लीनिंग मेथड यूज़ करती थी, पहले मैं करती थी कि पूरा का पूरा किचन ए टू जेड सामान एक बार निकाला, ड्राइंग रूम में या कहीं भी ऐसी जगह पे रखा और फिर पूरा किचन क्लीन किया और रीअरेंज किया। लेकिन मैं उसमें देखती थी ना कि बहुत खलेरा एकदम मच जाता है, मतलब पूरा जहाँ भी, जैसे ड्राइंग रूम में अगर मैं सामान निकाल के रखूँ पूरा ड्राइंग रूम भर जाएगा। फिर उसको धीरे धीरे हम साफ़ करेंगे और एक तरीके से मेंटल प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि चीज़ें आपको दिखती रहती हैं जब तक वो 100% आप सॉर्ट नहीं कर देते, वो दिखती रहती हैं आपकी आँखों के आगे पड़ी रहती हैं। फिर मैंने दूसरा मेथड अभी कुछ सालों से यूज़ करना स्टार्ट किया है, जो है कि भाई एक कैबिनेट एक बार में करो। मतलब क्लीनिंग आप पूरा दिन में कर रहे हो किचन की, लेकिन जैसा मैंने अभी भी किया, मैंने पहले लेफ़्ट साइड वाला जहाँ पे मैं अपने कप्स और ये सब रखती हूँ उधर का सेक्शन उठाया, सामान निकाला, अंदर अच्छे से क्लीन किया, वाइप किया, सामान को अच्छे से पोंछा, जो धुलने वाला था उसको धुला, वाइप किया और उसको अरेंज किया पहले, फिर मैं दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ी। तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत कन्वीनियंट है, मेंटल प्रेशर इसमें बहुत कम पड़ता है, क्योंकि आपको आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं है। आप एक कैबिनेट से चीज़ें निकालते हो, उसको क्लीन करते हो और वापस रीअरेंज कर देते हो। बट हाँ, ये मेथड तब काम आता है ना जब आपको कुछ रीअरेंजमेंट्स ना करने हो, मतलब इधर का सामान कुछ उधर ना करना हो। आज हमने कुछ रीअरेंजमेंट्स भी किए थे, लेकिन हाँ, मैंने जो मेथड यूज़ किया था वो वही किया था कि वन कैबिनेट एट अ टाइम लेके चलना है। अब हाँ, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि मुझे इसे किसी दूसरे कैबिनेट में किसी अलग तरीके से रीअरेंज करना है, तो फिर उसको मैंने बाहर रहने दिया। इस वजह से आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, कंपेयर करें अगर हम जो मेथड की बात करें उससे चलते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर चीज़ों को शफल किया है, बाकी मतलब 80% सब कुछ सेम है।
जो भी कंटेनर ऊपर से साफ़ करके काम चल जाता है ना, वो हमेशा आपको ऊपर से साफ़ कर देने चाहिए। होता क्या है कि हम रिफ़िल से पहले हमेशा कंटेनर धोते हैं, तो अंदर से वो 90% मैं कहती हूँ कंटेनर अंदर से साफ़ ही रहता है, बाहर से वो गंदा हो जाता है क्योंकि उसमें गंदे हाथ लगते रहते हैं। तो बस आप स्प्रे बॉटल लो, उसके ऊपर सॉल्यूशन को स्प्रे करो और अच्छे से वाइप कर दो, एकदम चकाचक चमाचम हो जाता है। तो हर एक कंटेनर को खाली करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं भी यही कर रही हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे कंटेनर ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खाली नहीं होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटेनर के अंदर को भी गंदा कर देती हैं। जैसे कि मैंने काजू रखे थे, तो काजू में एक टाइप का चूरा होता है, वो एक वाइट पाउडर जैसा उसमें होता है, जिसकी वजह से अंदर से भी कोई भी कंटेनर गंदा दिखने लगता है। तो वो मैंने खाली करके वॉश किया। ऐसे ऐसे जो मुझे लग रहे थे कि अंदर से क्लीन करने वाले हैं कंटेनर, वो सब मैंने क्लीन कर दिया। जैसे आप किसी में बूंदी रखते हो, किसी में नमकीन रखते हो, तो ऑब्वियसली वो कंटेनर अंदर से जब तक आप साफ़ नहीं करोगे, वो साफ़ नहीं दिखता है। दाल वगैरह होती है, उनमें भी एक वाइट वाइट जैसा कुछ पाउडर जैसा होता है, वो भी गंदे हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैंने क्लीन करती गई हूँ और वाइप करके रखती गई हूँ ताकि वो जल्दी से सूखें। वाइप करने के बाद थोड़ी देर मैंने रख दिया था फ़ैन के नीचे भी, और फटाफट फिर उनको रिफ़िल भी करते गए हम। तो सारे काम एट द सेम टाइम सेम डे हमने किए हैं, ताकि जो है ये एकदम से ही सब कुछ ख़त्म हो जाए। और वही मैं बोल रही हूँ, दो लोग थे तो मैंने एक साथ कर लिया, बट अगर आप अकेले हैं तो कैटेगराइज़ कर लीजिए कि कौन सा काम आपको कैसे शुरू करना है, कौन सी कैटेगरी पहले और कौन सी सबसे लास्ट में करनी है। जैसे मैंने भी, वैसे भी दो लोग थे लेकिन कैटेगरी वाइज मैंने किया, एक तो वन कैबिनेट एट अ टाइम लिया, दूसरा मैंने बाहर का कुछ भी वाइपिंग इसमें नहीं रखा था। सबसे पहले मैंने अंदर से क्लीन किया, रीअरेंज किया, और जब सारा किचन रीअरेंज हो गया उसके बाद फिर मैंने बाहर के जो कैबिनेट हैं उनको वाइप किया था। तो इस तरीके से कैटेगरी बना के करेंगे तो देखिए, मेहनत तो लगती है, मैं ये नहीं कहूँगी मेहनत कम हो जाती है, थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर कम होती है, लेकिन मेंटली आप ना स्ट्रेस्ड फील नहीं करते हो, ऐसा नहीं लगता कि हे भगवान सब कुछ फैल गया, हे भगवान ये कैसे होगा। तो उस टाइप से अगर आप काम करें तो बेहतर लगता है, मतलब मुझे इस चीज़ से काफ़ी रिलीफ मिला है, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो मेरी क्रॉकरी कैबिनेट है, इसका सारा अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद है। मतलब जो चीज़ जहाँ रखी है ना, वो बेस्ट है। मुझे लगता है कहीं इधर उधर उसकी जगह नहीं हो सकती। जब इसको मैं क्लीन कर रही थी और दोबारा जब रीअरेंज किया मैंने, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कोशिश की कि मैं इधर से उधर करके देखूँ, शायद नया लुक आ जाए, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर से मैंने जैसा ही ये आपने देखा है ना कैबिनेट, वैसे ही अरेंज कर दिया। हल्का हल्का कलर कोऑर्डिनेटेड भी लगता है, कुछ चीज़ें एक जैसे कलर की मैं एक जगह रखती हूँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो वही अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है, और सेम बस मैंने क्लीन करके वैसे का वैसा अरेंज कर दिया इसको। पैंट्री क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा ना क्या हो गया था कि जैसे दाल के डब्बे जो मैंने बनाए हुए थे कभी खाली हुए, तो कोई और सामान था तो मैंने वो डाल दिया। इस तरीके से ना इधर उधर सारा सामान मिक्स हो गया था, तो मुझे लगभग काफ़ी चीज़ें खाली करके फिर से रिफ़िल करनी पड़ी, बहुत सारे डब्बे धोने पड़े, थोड़ा पेंट्री को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा कैटेगरी वाइज़, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया था। और बस हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। Thank you.
वैसे जो गुड़ मैं मंगाती हूँ ना, वो पाउडर फॉर्म में मंगाती हूँ, पाउडर वाला, तो इजी रहता है वो। ये आई थिंक मैंने कुछ काम के लिए मंगाया था, चटनी वगैरह बनाने के लिए। उस टाइम काफ़ी दिन से रखा हुआ है, मुझे लगता है 2-3 महीने हो गए हैं इसको मेरे पास। इसको यूज़ ही नहीं कर पाई थी मैं, पाउडर वाला मंगा के वही मैं भर लेती हूँ और वही मैं चाय वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा इसको कट करके जब तक नहीं रखूँगी ये यूज़ नहीं होगा, तो कट करके मैंने रख लिया है। और ये चीनी के और पत्ती के डब्बे भी मैंने वॉश किए थे इसके साथ, जो मेरा स्नैक्स बॉक्स है इनके जैसा ही दिखने वाला जो है वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। और अच्छे से वाइप करके पंखे के नीचे रख लो ना, तो बस आधे घंटे में कंटेनर सारे एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो बहुत देर तक उनको रखना नहीं पड़ता। माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप यूज़ करें अंदर से किसी भी कंटेनर को वाइप करने के लिए, और फिर उसको 15-20 मिनट आप पंखे के नीचे रख दो, तो वो एकदम ऐसा लगता है कि आपने 2-4 घंटा कंटेनर छोड़ा हो, एकदम अच्छे से वाइप मतलब सूख जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो कुछ भी आप रिफिल कर सकते हो फटाफट। तो जब तक आप कोई कंटेनर खाली करके धो के रखोगे और उस जगह को साफ़ करोगे, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करोगे, तब तक वो कंटेनर भी सूख जा रहे थे हमारे, और फिर हम उनको रिफ़िल करके रख भी दे रहे थे। तो एट द एंड हमारे किचन में जब हमने सारी क्लीनिंग कंप्लीट की तो कोई भी खलेरा नहीं था, सब चीज़ें साफ़ सुथरी होके अपनी जगह पे जा चुकी थी। सबसे लास्ट में जो बचा था, जब अंदर के सारे ऊपर वाले नीचे वाले कैबिनेट्स क्लियर हो गए, एकदम साफ़ हो गए, तो फिर ये मैंने बाहर का मिशन उठाया, जितने भी बाहर के कैबिनेट्स वगैरह थे वो सारे अच्छी तरीके से क्लीन किए। जो टाइल है वो मैंने, जो मेरी हाउस हेल्प है उससे क्लीन करवाई थी, जो बैक स्प्लैश आप देख रहे हो वो उससे क्लीन करवाया था। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मैं खुद क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें मैं वो हारपिक डाल के क्लीन करती हूँ ना, तो कितनी देर रखना है, कितना डालना है ये मुझे ही पता है। वाइट प्लेटफॉर्म है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। तो जब उसने वो क्लीन कर दिया तो फिर मैंने बेड़ा उठाया इसका, और पूरा प्लेटफॉर्म, सिंक, वो सब क्लीन किया। और इसके बाद मैंने जो अपना चिमनी का सारे फिल्टर वगैरह ना वो भी क्लीन किए थे, भिगो के रख दिए थे 1-2 घंटे, तो वो भी क्लीन हो गए थे। तो ये सारा काम जो है करके मेरा किचन अब हो चुका है एकदम नीट एंड क्लीन एंड दिवाली रेडी। कैसा लग रहा साफ सुथरे किचन में काम करके? साफ सुथरा तो रहता ही है, लेकिन एक जो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग होती है, जब आप एक एक चीज क्लीन करो ना, तो उसके बाद का मजा अलग ही होता है। और उसके बाद का जो मजा लेने के लिए हम करके आ रहे हैं, पता है? बताओ, चाट पार्टी हो रही है। तो अभी तो ये सब्जी उब्जी छौंक रही है, ये एक्चुअली ना साग खराब हो जाता इसलिए इसको छौंकना पड़ रहा है। तो यहाँ पे है सोया मेथी, आलू में बनेगा श्वेता ये? अच्छा, तो तुम अच्छा वो बना रही हो। और ये है मूली का साग, मूली के पत्ते का साग। तो ये कर रही थी ये, अभी मैं आलू काट देती हूँ। और चाट में देखो क्या क्या बनेगा, यहाँ पे है शकरकंद, इसकी चाट बनेगी। और क्या है, चाहे तो चने मॉर्निंग के। और चाट बनेगा, भल्ला चाट बनेगी। हमारा फ्रिज भी अच्छे से क्लीन हो गया, देखिए एकदम बढ़िया क्लीन दिख रहा है, चकाचक। तो ये जो दही बड़े बनाए थे ना मैंने, तो मैंने ऐसे ड्राई निकाल करके रख दिए थे, तो इसके हम भल्ला चाट बनाएंगे, देखिए। तो यही रहेगा आज, पूरा चाट पार्टी रहेगा। और यहाँ पे पुदीना, धनिया, ये सब हो चुका है, तो इसको ना वॉश करके अभी चटनी भी बनेगी, और थोड़ा इसको कुछ और बनाने का भी मैं सोच रही हूँ। तो ये यहाँ रखा हुआ है, अभी लगेंगे काम में।
पापड़ भी मंगाए ना आपने। उस दिन देखा था ना मेरे को चिढ़ाते हुए। अच्छा नहीं, वो तो नहीं याद था मेरे को सच में कसम से, पर मेरा ना साबुदाना पापड़ आया ना सामने, तो मेरे उसको देख के खाने का मन कर गया। कोई बात नहीं बात तो यही है, पर हाँ मुझे अभी याद आया कि तुमने मुझे चिढ़ाया था। इसने वहाँ गई थी ना तो चाय पी रही थी तो साबुदाना पापड़ भूने थे, इसने तो मेरे को फोटो खींच के भेज रही है कि देखो मैं क्या खा रही हूँ। आपने तुरंत ही फरे की फोटो भेजी। तुरंत ही फरे की फोटो भेज दी, शाम पड़ गई है। क्योंकि वो ज्यादा टेस्टी होते हैं। हाँ मम्मी, जैसे मम्मी बनाती थी ना दीदी, वो पानी में वो आटे वाले पानी में उबाल, पानी में उबालते किसी दिन वो बनाएंगे। आटे दाल उड़द की रहती है उसमें, ज्यादातर लोग उड़द की बनाते हैं, लेकिन जो मम्मी की रेसिपी है वो ऐसे की चना उड़द मिक्स करके बनाती थी, वो बनाएंगे जल्दी। हाँ। बना लेंगे। और किसी दिन गठरी भी बनाएंगे। गठरी गठरी धोखा मुझे उतना पसंद नहीं है। मुझे बहुत पसंद है। ये बन गई है ये सब्जी, सोया आलू कितनी टेस्टी लग रही है, तो मजा आ जाएगा पराठे के साथ। चाट इज मोर टेस्टी। पर ये कल सुबह के लिए ये जो है भल्ले जो है हमने डाल दिए पानी में, गर्म पानी में, ये भी हो गए। गोलगप्पे जो बाहर मिलते हैं ना वो वाले गोलगप्पे ही हमने फ्राई कर लिए थे यहाँ पे। गोलगप्पे नहीं बना रहे हम, पानी वानी कुछ नहीं बना रहे, और क्योंकि भल्ले बन रहे हैं ना तो उसी में हम दही पूरी जो होती है ना वो बना लेंगे, और थोड़ी सी भल्ले में मैं चूर करके उसको डाल दूँगी एक क्रिस्पीनेस के लिए। तो मेरे पास रेड चटनी ऑलरेडी था जो मैंने बनाया था, इमली वाली जो बनती है वो, और ग्रीन चटनी बना ली थी, सारा सामान था ही, कुछ प्याज कच्चे काट लिए थे, हरा धनिया काट लिया था, और ये जो आप देख रहे हो स्वीट पोटैटो, इसको मैंने बिना पानी के बॉईल किया है, मतलब कुकर में ही बॉईल किया। मैं कभी बॉईल करके आपको दिखा दूँगी। तो ये बहुत अच्छे बॉईल हुए, ऐसा लगा ना जैसे कि आपने आग पर सेंका, बड़ा अच्छा इनका टेस्ट आया। तो ये ट्रिक मुझे जो वंदना है ना उनकी मदर इन लॉ ने बताया था अभी हम जब उनके घर गए थे कि बेटा ऐसे उबालना। एक्चुअली हम लोग सब लोग साथ में बाहर गए थे, मार्केट गए थे, वंदना मैं श्वेता और आंटी जी, हम लोग सब लोग साथ में मार्केट गए थे। तो वहाँ मैंने शकरकंदी ली, मिल रही थी वहाँ, तो देख के मेरा मन किया लेने का। तब उन्होंने जैसे बात हम करने लगते हैं ना कि कैसे इसको बनाते हो, तो उन्होंने कहा बेटा बिना पानी के ऐसे ऐसे करके बनाना तो बहुत टेस्टी बनेंगी। फिर मैंने ट्राई किया तो सच में ये बहुत टेस्टी बनी, और इनकी चाट तो और भी अच्छी लग रही थी। ग्रीन चटनी, रेड चटनी डाली है, थोड़ी सी चाट मसाला डाला है, काला नमक डाला है, और ये सब डाल के थोड़ा सा टॉस कर दिया है। यमी यमी से ये शकरकंद की चाट बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे ये जो भल्ले हैं इनको मैंने गर्म पानी में ना भिगो करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर इसको ऐसे हाथों से स्क्वीज़ करके आप ऐसे सेट कर दो। फिर आप इसमें कटे हुए बॉयल आलू डालिए, इसमें आप चने भी डाल सकते हैं, बट इसमें काबुली चना यानी छोले जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बॉयल वाले, वो भी आप डाल सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो। फिर ये जो कर्ड है ये सिद्धार्थ ने अच्छे से विस्क करके दिया है, थोड़ा सा चीनी डलवा दिया था मैंने इसमें, तो एक 1.5 टीस्पून के आसपास इसमें शुगर होगा, और वो डाल करके थोड़ा पानी डाल करके एकदम क्रीमी होने तक आपको इसे विस्क कर लेना है। ये आपको इसके ऊपर अच्छे से ऐड करना है। फिर ग्रीन चटनी, रेड चटनी, कच्चा प्याज, हरा धनिया ऐड करना है, जो हमने गोलगप्पे बनाए थे बाहर वाले वो ऐड कर दीजिए, काला नमक, चाट मसाला आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, जो अनार के दाने होते हैं वो भी डालेंगे तो बहुत अच्छा मीठा मीठा सा बीच बीच में टेस्ट आएगा। और अगर घर की बनी हुई पापड़ी है ना तो वो तो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगेगी, जो मैदे की पापड़ी हम लोग बनाते हैं। पहले प्लान वही किया था बनाने का, फिर इतनी थकावट हो रही थी कि सोचा नहीं कैंसिल कर दो उसको, ये गोलगप्पे ही हम एज अ पापड़ी यूज़ कर लेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें मिक्स करके ये हमारी बन गई भल्ला चाट। बहुत ही इजी थी क्योंकि भल्ले वगैरह बने रखे हुए थे, और फटाफट बहुत ही फिलिंग और सेटिस्फैक्ट्री मील हो गया। ये चाट वगैरह अगर आप खा लो ना तो सच में वो जवान को चटाका आ जाता है, मज़ा आ जाता है। तो बस ये था, और इसके साथ मैंने बनाई थी दही पूरी।
मैंने जो भल्ले बनाए थे वो सिद्धार्थ को पसंद नहीं आए। सिद्धार्थ को मतलब पसंद इस वजह से नहीं आए क्योंकि वो अपने हिसाब से प्रोपोर्शन रखता है चीज़ों का, जैसे दही कम, ये चटनी इतनी चाहिए, वो चटनी उतनी चाहिए। तो जो मैं प्लेटर बना के लेकर गई थी ना, उसमें से उसने कुछ बाइट खाए, फिर बोला मैं अपना खुद बनाऊँगा। तो फिर वो आया है, अपने भल्ले उसने खुद तैयार किए हैं, अपने लिए दही पूरी भी बनाया है जितना उसको चाहिए उस हिसाब से। और फिर उसको तो बहुत पसंद है ये चाट पकौड़ा। जनरली लड़कों को नहीं पसंद आती है ये चटोरी वाली चीज़ें, जैसे हस्बैंड को भी उतना कुछ खास पसंद नहीं है, बनता है तो वो खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको क्रेविंग होती हो कभी गोलगप्पे की या कभी चाट की, कभी नहीं होती है, कभी भी नहीं। उनको क्रेविंग होती है तंदूरी रोटी और दाल की, उनको बहुत पसंद है गर्मा गर्म तंदूरी रोटी एंड दाल। तो बस यही था हमारा आज का दिन। आशा करती हूँ कि आपने ये व्लॉग पसंद किया होगा, क्लीनिंग थी इसमें। अगर कुछ अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।